जब से देश में मोदी सरकार आई है तब से वो निजीकरण को बढ़ावा देने में जुटी है। बैंकिंग, रेलवे के अलावा सरकार की नजर कई सेक्टर्स पर है। कहा जा रहा है कि 18 सेक्टर्स में बड़ा बदलाव हो सकता है। सरकार इन्हें निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है, यानी अब धीरे धीरे सबका निजीकरण होता जाएगा। क्या सरकार खुद के भरोसे देश का विकास नहीं कर सकती? क्या सरकार अपना सब कुछ निजी क्षेत्र को सौंपकर ही देश को आगे बढ़ाने का काम कर पाएगी? क्या अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए निजीकरण को रफ्तार देना जरूरी है? ये सवाल तब से उठ रहे हैं जब से सरकार निजीकरण की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। जी हाँ, अब खबर है कि सरकार नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में सभी सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर देगी, जबकि स्ट्रेटेजिक सेक्टर में अधिक से अधिक 4 कंपनियां अपने पास रखेगी। सरकार ने स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 18 सेक्टर शामिल होंगे। कैबिनेट मंजूरी के बाद उन कंपनियों की पहचान होगी जिनको सरकार अपने पास रखेगी और जिनका निजीकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि इस सेक्टर में बैंक, इंश्योरेंस, कोल, स्टील, अन्य मिनरल और मेटल, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, पेट्रोलियम जिसमें रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग, डिफेंस इक्विपमेंट, शिप बिल्डिंग, क्रूड ऑयल एंड गैस, टेली कम्युनिकेशन और आईटी, एयरपोर्ट, पोर्ट, हाईवे, गैस ट्रांसमिशन और लॉजिस्टिक्स, स्ट्रेटेजिक सेक्टर से जुड़ी कंसल्टेंसी या कंस्ट्रक्शन कंपनियां, इंफ्रा, एक्सपोर्ट, क्रेडिट गारंटी, एनर्जी, हाउसिंग को फाइनेंस देने वाली कंपनी हैं। इन सेक्टर्स में से सरकार केवल अपने पास 4 रख सकती है, जबकि बाकी सबका निजीकरण होगा। अब देखना होगा कि किन किन कंपनियों की कमान निजी हाथों में सौंपी जाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।